है गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू विलीवर चैनल गाइस काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था अनाउंसमेंट डालने के बाद भी पर गाइस इसके लिए सॉरी और गाइस वीडियो आ चुका है आखिरकार और गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के क्लैश स्क्वाड रैंक के प्रो टिप्स के बारे में तो गाइज़ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्लैश स्क्वाड में अपने टीम की वजह से हार जाते हैं और गाइज़ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैंने रैमडम मैच स्टार्ट किया और खेला रैमडम प्लेयर्स के साथ और ज़ीरो फोर से हारा जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देख लिया होगा तो so गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लैश स्क्वाड रैंक के हर मैच को बोया कर सकते हैं ठीक है और अगर आप सोचते हैं कि आपका टीम मेट नूबड़ा आया है तो इसमें आपकी गलती है गाइज़ इसी के बाद मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको क्लैश स्क्वाड के हर मैच को बोया करना है सो so गाइस बिना फालतू के टाइम पास के वीडियो को करते हैं शुरू सो गाइस चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट मैंने कर दिया स्टार्ट और भाई देखो का ही की क्लिच है यार इसमें अगर जरा सा भी आगे बढ़ूंगा ना पीछे जा रहा बजे वैसे तो और मास इलेक्ट्रिक में हम लोग आ चुके हैं तो मास इलेक्ट्रिक में सुखा इस पहले राउंड में सब लोग मतलब बेकार की गन की वजह से हार जाते हैं और मैं इसमें कुछ नहीं लेता हूँ ठीक है आपको पहले राउंड में जैसे तैसे करके बस एक किल मारना है ठीक है तो वो देखो बंदा चलो फटाक से एक किल मार देते देखो मेरे बंदे को मार के किल बना रहा है ए ये लखा घूसा और एक किल मार के आपको पूरा किल लेना है ठीक है क्योंकि आपको कैश मिले और आप बढ़िया गन खरीद पाओ ठीक है मैंने इसकी जी ए भी ले ली है तो अब मेरे टीम मुझे नहीं लगता कुछ करने वाला है चलो मैं एम चुरा लेता हूँ बंदे उधर साइड हैं एम के बिना कुछ होगा तो है नहीं हाँ उसको देखो मैंने मारा है अच्छा डी दिया है चलो उसके पीछे चलते हैं रिवाइव करूँ नहीं नहीं, नहीं 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 ओ मार के मारा भाई मार के मारा यार चलो कोई नहीं गाइस पहला राउंड आपको बस किल करना होगा ठीक है अगर आप किल नहीं करोगे तो आपको कैश नहीं मिल पाएगा और आप वेस्ट नहीं खरीद पाओगे ठीक है तो दूसरे राउंड में अब हम लोग लेंगे वेक्टर अरे वेक्टर लेना भाई तो भाई जो फटाख से वेक्टर ले लेते हैं अरे क्या ले लिया यार दैट तो हेलमेट भी ले लिया मशरूम भी ले लिया ठीक है दूसरे राउंड में मैंने सोचा वेक्टर ले लूँ पर थॉमसन आ गई हाथ में कोई बात नहीं थॉमसन से भी बहुत किल मिल जाएगा ठीक है तो गाई अब आपको अगर पहला राउंड हारे हो तो दूसरा निकालने की पूरी ट्राई करनी पड़ेगी नहीं तो गाई आप मैच में हार सकते हो चलो तो थोड़ा देर वेट करते हैं यहाँ से क्या पता कोई आए हाँ मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है अरे यार इतना हैंग कर रहा है थोड़ा देर रुक जाते हैं सो तो गाइस वो देखो पीछे से बंदा मार रहा है और ये ले ये ले अरे मर जाना ये भाई मरता क्यों नहीं अरे अरे मेरा किल चोरी अरे एक और पीछे से मारने की पूरी ट्राई कर रहा है एंड ये ले भाई डैमेज का थोड़ा अरे मेरे को पूरा मार दिया यार किल ले रहा है जल्दी आके बचा 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 जल्दी बचा अरे बचा पहले यार क्यों मार रहा है उसको ये देखो ये किस तरीके से रश कर रहा है अरे मेरे को मारने देता ओ भाई इसकी तो एच नहीं थी कोई नहीं गाइज अभी तक मैंने एक भी किल नहीं किया है क्योंकि गाइज मेरे टीममेट अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अभी मेरे को और मेरा किल भी चुरा रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है इसका बदला लूँगा मैं और चलो एक और ग्लू ले, ले लेते हैं चलो अब गाइस जब आप राउंड को जीतते हो तो सभी लोग सेविंग करता है ठीक है पर अगर आप एक ही राउंड जीते हो तो आपको सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना सामान ले लो अगर आप एक्स्ट्रा सामान लोगे तो इसमें आपकी गलती है ठीक है तो चलो अब मैं ऑब्जर्वेटरी पे जाके एक जगह वेट करता हूँ देखते हैं यहाँ से कोई आता है कि नहीं चलो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे अरे अरे चुप के वेट करना है तो देखो एक बंदा आने वाला है और बिलीवर पे किया रश खाया हड शॉर्ट पूरा किल लेते हैं हम लोग यहाँ पे अब चलो इसको फटाक से लूट मार लेते हैं इसके सामान पे ग्लू लगा के लूट लेते हैं फटाक से सभी लोग लूट हमेशा ग्लू लगा के करना नहीं तो गाइज आप फंस सकते हो ठीक है अभी एक बंदा गया ऊपर चलो गया देखा इस तरीके से दो बंदे गए चलो उसका पूरा किल लेते हैं अपने दोस्त को भी बचा लेते हैं पहले किल भाई पहले किल तूने भी मेरा रिवाइव नहीं किया था ना अरे यही तो नहीं था चलो अब हम लोगों ने डबल किल कर दिया है और आखिरी वाला रिवाइव ना हो जाए बस आखिरी वाला वो रहा चलो एम फाइव से देखते हैं वो है कहाँ स्कोप लगा के आपको हमेशा हिलते रहना है ठीक है ये तो एलिमिनेट कर लिया जानता था कि हार जाएगा इसीलिए एलिमिनेट कर लिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी मैच पूरा काबू में है पर गाइज हम ढिलाई नहीं कर सकते नहीं तो मैच बेकाबू हो जाएगा अगर वो लोग बराबरी कर देंगे तो फिर हम लोग को बहुत ही तेज़ी से खेलना पड़ेगा ठीक है इस राउंड को फटाफट से निकाल ले रहे हैं फिर हम लोग ढिलाई कर सकते हैं ठीक तो गाइज़ चलो इस राउंड को फटाक से निकालते हैं अरे यार छोड़ना जल्दी सेट जल्दी छोड़ बा आई जाना है हाँ तो इसने हम लोगों को रे 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 क्या बोलते हैं जोन. हाँ हाँ मालूम है अब तू जाए यहाँ से सो सुबह एजेंटे चला गया तो हम लोग अपने गेम प्ले को फिर से करते हैं स्टार्ट और मेरे बंदे शायद बंदों को देख चुके हैं और उन्हें मार रहे हैं मार भी खा रहे हैं खादे तो एक तो गया उधर की टीम का और एक ऊपर चढ़ा है शायद अगर मैं रश करूँगा तो ये मेरे को हेडशॉट दे देगा नहीं नहीं नीचे कूदा नीचे कूदा और मर जा भाई मर जा अरे एक सामने आया एक सामने आया ग्लू लगाना पड़ेगा अरे एक तो इधर भी आ गया अब मुझे थॉमसन ले लेनी चाहिए हाँ 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 छुपके हैं छुपके हैं ये भर रहा था और इसकी गन मतलब रीलोडिंग पे थी और मैंने इसको टपका दिया ठीक है तो रिलोडिंग का जो सीन रहता है ना उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए रहता है अपनी गन को हमेशा रिलोड करना है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है ठीक है थीके? बस गन पे एक टैप ही तो मारना है इतना तो कोई भी कर सकता है गाइस तो फटाफट से हम लोग वेस्ट को रिपेयर करते हैं डेजर्टीगर भी ले ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग घर पे चढ़ के वन टैप मार सकते हैं ठीक है वैसे तो मैंने एक को वन टैप मारा नहीं आज तक सो गाइस चलो फिर भी ट्राई करते हैं चलो इस बेकार चीज़ को फेंक देते हैं कभी काम नहीं आती ठीक है स्मोक ग्रेनेड का यूज़ तब करो जब तुम्हारा दोस्त कोई ऐसे कवर में हो मतलब उसे रिवाइव करने का टाइम अगर ग्लू ना हो तो स्मोक ग्रेनेड से काम हो जाता है ठीक है बंदा अपने किल को मारने के लिए देख नहीं पाता है और आप रिवाइव करके भाग सकते हो पर ये काम आपको जल्दी करना पड़ता है ठीक है अगर लेट करोगे तो ये इसमें आपकी ही गलती होगी सो वो देखो बंदा है चलो इसे मारते हैं थोड़ा डैमेज ये कर क्या रहा है भाई कर क्या रहा है तू खड़ा हो के क्या करने कैसा अच्छा आ रहा था भाई ये चलो एक तो लेटा दिया पूरा काम तमाम चलो अब उधर बंदा है तो डेजर्ट ईगल ले लेते हैं हाथ में अरे भाई साहब ए डब्ल्यू एम से मार रहा है क्या यार ए डब्ल्यू एम की बहुत ही गजब की गोली मारा है इस नुकड़े ने मेरे को हाँ चलो फटाक से मेडिकेट कर लेते हैं जल्दी से करेंगे मेडिकेट अरे तू कहाँ से टपक पड़ा भाई अरे जल्दी आके बचा ना भाई ये भाई कोई आ जा अरे आके इसको मार हाँ ये मार देगा बचा अरे यार तू तो खुद मर गया भाई गाइस इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि कभी भी टीम पे पर भरोसा नहीं करना चाहिए ठीक है इस पर भरोसा करके मैं भी गया और अब इन दोनों का कोई फायदा है नहीं वो डबल ही चुका है अगर एक और गया हम चलो इस लड़की को ही देखते हैं अरे बगल में बंदा मार उसको क्या कर रहा है बे इसको क्यों मार रही है भाई साहब अगर ये नहीं होता ना तो भाई ये बॉट अभी गई होती ठीक है अरे भाई साहब इसी को देखते हैं अरे मार दे बहुत ही सही मारा इस बंदे ने और पूरा मैच जिता दिया है सो गाइस मतलब आप अपने टीममेट पे थोड़ा भरोसा कर सकते हो ठीक है और ये भरोसा इतना ज़्यादा मत करना कि मतलब अगर एक बंदा बाकी है तो हम मर जाएंगे तो वो जिता देगा ये नहीं इसीलिए सोलो वर्स स्क्वाड की सिचुएशन में सोलो वाला बंदा जीतता है ठीक है सो गाइस होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो करो लाइक चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जो आपका मन हो वो करो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग